पूछे ना कि मौला अली अलैहि सलाम की शान में जितनी अहदीस है इनमें अगर मैं कहूं कि टॉप पे कौन सी हदीस है, तो ये मेरी जाती राय है, इससे उलमाए किराम इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि एक इंजीनियर होने की हैसियत से उसकी इंटेंसिटी जब डिफाइन की है ना, तो मेरे नजदीक टॉप पे वो हदीस है जो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने अपने उस चैप्टर में फजाइल अली वाले में टॉप पे ली है कि अली की मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। अल्लाह अकबर। गज़वे तबूक के मौका पर पहला और आखिरी मौका था कि मौला अली अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम के साथ इस क्रिटिकल जंग में जो रोमन एम्पायर के खिलाफ थी शरीक नहीं हो रहे थे, तो आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें औरतों और बच्चों पर छोड़ा, उन्होंने रोना शुरू कर दिया, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी दिलजोई के लिए फरमाया कि क्या तुम इस बात पे राजी नहीं हो कि तुम्हारी मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। यानी जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम फितूर पर गए थे तो हारून अलैहिस्सलाम को अपने नायब के तौर पर छोड़ के गए थे, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, ये आपकी दिलजोई फरमाई। अब इसके ऊपर अगर आप गौर करें, हारून अलैहिस्सलाम वो पैगंबर है जिन्हें मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ करके कुरान में आया मांगा था अपने साथ सपोर्टर के तौर पर। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है कि जब वो कोहतूर पर गए तो इनको अपने नायब की हैसियत से छोड़ कर गए। जी। तीसरी बात, वो पैगंबर थे लेकिन चूंकि खत्मे नबूवत हो चुकी है, ये वाला टाइटल मौला अली को नहीं मिला, लिहाजा इंप्लाइड है कि अगर नबी अलैहिस्सलाम के बाद कोई पैगंबर होता तो मौला अली अलैहिस्सलाम होते। और मैं अमूमन जो कादियानी है उन्हें भी ये हदीस पेश करता हूं कि अगर तुम्हें उम्मती नबी बनाने का शौक है ना, तो इस उम्मत में जो शख्स पहले नंबर पर हकदार है ना कि वो उम्मती नबी बने, वो मौला अली अलैहिस्सलाम है। इस हदीस से पता चला ना, क्योंकि जिसको कुरान में निस्बत दी गई हारून को मूसा के साथ और बुखारी और मुस्लिम में निस्बत आई, तो फिर नबी अलैहिस्सलाम के साथ अगर कोई असिस्टेंट पैगंबर होता ना तो हजरत मौला अली होते, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने साथ ही फरमा दिया मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो सर अगर मौला अली नबी नहीं है ना उम्मती, तो गुलाम कादियानी दज्जाल तो शाही कोई नहीं, इसके अलावा भी जितने लोग दावे पैगंबरी करें वो तो किसी खाते में नहीं है। अगर मौला अली गए, ये वो चीज है जो अल्लाह तआला ने शरा सदर की मेरे ऊपर, और मैं जब भी ये बयान करता हूँ मेरे ऊपर एक कैफियत तारी हो जाती है कि ये एक हदीस खत्मे नबूवत के ऊपर भी एक पहरा देने वाली हदीस है, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पर अगर कोई हदीस में लेता हूँ ना जी, वो हदीस है जो बुखारी मुस्लिम दोनों में है कि गज़वे खैबर के मौका पर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, कल मैं उस शख्स के हाथ में झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं, ये उससे बड़ी डिग्री है। और साहबा कहते हैं मैं पूरी रात नींद नहीं आई, और मुस्लिम के अल्फाज हैं कि हजरत उमर कहते हैं ये पहला मौका था कि मुझे भी ख्वाहिश पैदा हुई कि मुझे भी नबी अलैहिस्सलाम ये मनसब दे दें। ये सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, और नकल किया हजरत अबू हुरैरा ने जिनके ऊपर तोहमत लगाई जाती है कि उनमें बुग़्ज़े अहले बैत था, नाऊज़ु बिल्लाह, ये मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं। तो साहबा कहते हैं हम पूरी रात इस शौक में सोए नहीं कि कौन कुछ नसीब होगा। नबी अलैहिस्सलाम ने सुबह के वक्त सैयदना मौला अली को बुलाया, उनको आशोबे चश्म था, अपना मुबारक लुआबे दहन लगाया, और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक हाथों से जीरा बांध के उनको रुखसत किया और कहा कि ए अली पहले उनको दावत देना, अगर तेरी वजह से किसी एक शख्स को भी हदायत मिल गई तो तेरे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। तो ये दूसरे नंबर पर मैं समझता हूँ ये वाली हदीस है जो मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में। तीसरे नंबर के ऊपर वो आयत मुबाहला वाली, वो भी मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है, एक उसका तरीक साद इब्न अबी वकास ने बयान किया और एक सैयदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा ने। साद इब्न अबी वकास वाला तो बड़ा दर्दनाक उसका तरीक है, अब मुफ्ती साहब सामने बैठे हुए हैं, मुफ्ती अनीफ कुरैशी साहब तो माशाल्लाह इस चीज का मुझसे ज्यादा इदराक रखते हैं कि जब शाम ने साद इब्न अबी वकास को हुक्म दिया और कहा कि तुम्हें कौन सी चीज माने है कि तुम अबू तुराब के ऊपर सब नहीं करते, और मिनहाज सुन्ना में फिलिंग द ब्लैंक्स किया है इमाम इब्ने तैमिया ने इसके अंदर कि उन्होंने हुक्म दिया सब करने का, ये खुद से अल्फाज डाले और फिर कहा कि तुम्हें कौन सी चीज माने हैं। तो उन्होंने कहा कि सुन, मैंने अली इब्ने अबी तालिब के बारे में तीन ऐसी फजीलतें सुनी हैं कि उनमें से एक भी मुझे मिल जाती ना तो मेरे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर था। फिर उन्होंने पहले वो हदीस सुनाई गज़वे तबूक वाली, अली की मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ, फिर गज़वे खैबर वाली हदीस सुनाई, और फिर कहा कि जब आयत मुबाहला नाजिल हुई सूरह आले इमरान आयत नंबर 61, तो नबी अलैहिस्सलाम ने मौला अली को सैयदा फातिमा सैयदना हसन हुसैन अलैहिस्सलाम अजमईन को अपनी चादर के नीचे लेकर कहा अल्लाहुम्मा हाउला अहलु बैती, ए अल्लाह ये मेरे अहले बैत। अच्छा, इसका एक तरीक सुनन निसाई अल कुबरा के अंदर मौजूद है खसाइस अली वाले चैप्टर में, उसमें आगे अल्फाज है साद इब्न अबी वकास का बेटा कहता है कि जब अमीर शाम ने हजरत साद से ये कलिमात सुने तो जितना दिन वो मदीना थे एक जुमला भी मौला अली की तनकीस का अपनी जुबान से निकाला नहीं है। लिहाजा ये पता चल गया कि इमाम नबी ने जो इसे कवर करने की कोशिश की थी वो तो फजाइल सुनना चाहते थे, वो बात गलत थी। असल बात ये है कि उन्होंने अबू तुराब जो कहा, और आपको पता है ये भी सही मुस्लिम में 6229 नंबर हदीस है, ये बनू उमैया अपने मेंबरों से कलवाते थे लअनल्लाहु अबू तुराब, अल्लाहू अल्लाह तुराब लफ्ज अगर बनू उमैया बोले ना तो ये फजीलत के लिए नहीं तहकीर के लिए बोलते थे। साल इब्ने साद असादी की हदीस है बुखारी में भी मुस्लिम में भी, मुस्लिम में डिटेल से 6229 नंबर, कि उन्हें जब आले मरवान ने बुलाया मिंबर पे कि आप आगे सैयदना अली पर सब करें, तो उन्होंने कहा मैं कभी भी नहीं करूंगा। उनका चले आप कह दे लअनल्लाहु अबू तुराब, उन्होंने कहा तुम अबू तुराब कह रहे हो यानी मट्टी वाला, और तुम खुश हो रहे हो उनकी तहकीर करके, और मौला अली इससे
गुस्से में नहीं आते थे, वो सबसे ज्यादा खुश ही इसी नाम से होते थे। जी जी हालांकि उन्होंने अपना जो कुनियत है उनकी अबुल हसन थी। फिर उन्होंने कहा अच्छा बताएंगे नाम पड़ा कैसे था। फिर उन्होंने बताया कि एक दिन सैयदा फातिमा और सैयदना अली का मियां ठीक है बीवी होने के नाते झगड़ा हुआ और अली अलैहिस्सलाम घर से निकल गए और जाके मस्जिद में एक जगह लेट गए। जब नबी अलैहिस्सलाम आए और पूछा किधर है ठीक है अली, तो बताया वो तो चले गए इस तरह। तो नबी सही अलैहिस्सलाम ने सहाबी भेजा, उन्होंने आके बताया कि फलां जगह है। तो नबी अलैहिस्सलाम खुद तशरीफ ले गए, ठीक है हालांकि बुलवा सकते थे, मौला खुद हाजिर होते, अपने मुबारक हाथों से मट्टी झाड़ी और कहा उठ अबू तुराब, उठ अबू तुराब। और ये इतना पसंदीदा नाम था कि उन्होंने अपनी कुनियत अबू तुराब रख ली। ठीक है और आखिरी ठीक हदीस में बयान करते तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं इंजीनियर साहब एक मुख्तसर से